नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इससे पहले कि इस विश्लेषण को आगे बढ़ाएं, पहले इमरान खान के घबराना नहीं वाले संदेश को सुन लेते हैं। इसमें इमरान खान अपनी जनता को संबोधित कर रहे हैं। हम जब ये सोच रहे थे कि हमारे जब 20 केसेस हैं तो हम भी शहर बंद करें, ये भी एक सजेशन आई, लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के वो हालात नहीं हैं जो अमेरिका के हैं या यूरोप के हैं। हमारे मुल्क में गुरबत है, हमारे तकरीबन 25% लोग तो बिल्कुल शदीद गुरबत में हैं। हम एक बड़े मुश्किल वक्त से निकल रहे हैं। हमारे जो माशी हालात हैं, जो 2019 से हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल साल था, इसमें बेरोज़गारी है, लोगों की मुश्किल हालात हैं, बिजनेसेस आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी क्योंकि जिस तरह के हमने स्टेबलाइजेशन की, तो हमने तब सोचा कि अगर हम शहर बंद कर देते हैं तो यहाँ तो आगे लोगों के हालात बुरे हैं, तो हम एक तरफ से बचाएंगे यहाँ से, दूसरी तरफ यहाँ तो भूख से मर जाएंगे लोग, हमारे गरीब लोगों का क्या बनेगा। कि चाइना हेल्प तो हमारी कर ही रहा है, लेकिन उनसे हमने क्या क्या सबक सीख सकते हैं चाइना से, कि हम अगर ये फैलती है तो हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। ये जो आखिर में ये जो जिधर आज आप हैं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं, सबसे पहले घबराना नहीं है। इसे नालायकी कहे या निकम्मापन या फिर अनुभवहीनता कहे या बकैती, पहले अर्थव्यवस्था को भैंसों के गोबर से पोत दिया, अब हजारों तहमतबाजों की जिंदगियां दांव पर लगा दी है। सिंध समेत चारों सूबों में यह रोग बहुत तेजी से फैल गया है। हालत यह है कि पाकिस्तान में इसको फैलने से रोकने के लिए न कोई इस्तार चिपकाए, न टेलीविजन और अखबारों में कोई विज्ञापन या गाइडलाइंस जारी की गई। पूरी मदरसा कौम को अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के हवाले से कहा जा रहा है कि यहाँ पर इटली से भी बुरे हालात हो सकते हैं। बताया जाता है कि यहाँ 1000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनमें इस रोग के शुरुआती लक्षण देखे जा रहे हैं, मगर यहाँ स्क्रीनिंग की सुविधा नहीं होने के चलते लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ कूच कर रहे हैं। ऐसा अंदेशा है कि पंजाब सूबा चीन का दूसरा वुहान शहर बनने की ओर बढ़ रहा है, यानी हूरों के दड़बे में खलबली मचने का वक्त आ गया है। बड़ी बात यह है कि पंजाब सरकार के पास न मास्क है, न जांच किट है और न इतने संसाधन है कि वे इस रोग को फैलने से रोक सके। कहने वाले तो यही कहते हैं कि जब दुनिया इस रोग से जूझने के लिए तैयारी कर रही थी, पाकिस्तान पीएसएल के मजे लूट रहा था। अब कहा जा रहा है कि 2 करोड़ मास्क चीन को भेज दिए गए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में न मास्क मिल पा रहा है और न सैनिटाइजर उपलब्ध है। लेकिन अब जब पानी सिर के ऊपर से गुजर गया है, इमरान खान ने कहा है कि घबराना नहीं, यानी इमरान के इस घबराना नहीं ने पाकिस्तान की जितनी फाड़ी, उतनी तो महंगाई ने भी उनकी घबराहट नहीं बढ़ाई होगी। जो हार्ट पेशेंट भी नहीं है वह भी इमरान के इस घबराना को नहीं सुनकर घबरा जाता है। मतलब हूरों के तबेले में हड़कंप की स्थिति है। इधर इमरान बोल रहे हैं घबराना नहीं, उधर पाकिस्तान में कलमा पढ़ने के लिए मुल्लाओं की एडवांस में बुकिंग हो रही है, जनाजे में आने के न्योते भेजे जा रहे हैं, तहमंद फाड़कर मास्क बनवाए जा रहे हैं। ऐसे में मदरसा कौम घबराएगी नहीं तो क्या वजीर आजम हाउस के सामने गधिया नृत्य करेगी। बड़ी बात यह है कि सार्क देशों की अहम बैठक में पाक के हेल्थ मिनिस्टर जो पिछवाड़ा मटका कर गए थे, उसका भांडा फूट चुका है। जिस इमरान किसान में जफर मिर्जा ने बकलोली की थी, वह आज दुनिया से भीख मांग रहा है। इमरान ने कहा कि दुनिया के अमीर देशों को गरीब पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, जिससे वे इस बीमारी से लड़ सके, यानी मदीने की रियासत गधों की सियासत से आगे नहीं बढ़ पाई। गौरतलब है कि कल ही पाकिस्तान में इस रोग से पहली मौत हुई है और एक मदरसा छाप हूरों की तलाश में निकला है। अभी तक प्राप्त आंकड़ों से 300 ज्यादा संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं और अब यहां पर लोगों के ऊपर पहुंचने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। पिछले 24 घंटों में पॉजिटिव लोगों की संख्या 190 काउंट की गई है। भारत में जहां कई मशहूर मंदिर, ऐतिहासिक इमारतें, स्कूल कॉलेज, शॉपिंग मॉल, जिम, सिनेमा घर इत्यादि बंद कर दिए गए हैं, वहीं पाकिस्तान अभी भी धूल में लट चला रहा है। उसके लिए भारत की तरह ऐसे कदम उठाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में हर चीज दूसरे देशों की तरह बंद नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह आतंकवादी मुल्क बेहद ही गरीब देश है। यदि ऐसा किया गया तो जो आर्थिक हालात पहले से ही खराब है, वे बुरी तरह बेकाबू हो जाएंगे।
इसका सीधा अर्थ है कि पाकिस्तान के सिनेमा हॉल, बाजार, शॉपिंग मॉल, स्कूल, कॉलेज या अन्य दूसरी जगह जहां से भीड़ होने से वायरस फैलने का जोखिम है, इमरान ने उनको नहीं बंद करने का ऐलान किया है। यदि इमरान ने ऐसा कर भी दिया तो मदरसा कौम भूखी मर जाएगी। यानी इस वक्त पूरा पाकिस्तान हूरों के दरवाजे पर खड़ा है। बड़ी बात यह है कि इमरान ने मदरसे के मुल्लाओं से भी मदद मांगी है, पर यह मुल्ला पाकिस्तान को बचाने में कितने कारगर हो गए यह आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा। आज की घड़ी पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि अगर उसे आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं हो पाई तो सबसे ज्यादा मौतों के आंकड़े में यह मुल्क शामिल हो सकता है। इसके आसार बन भी रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कोई देश किसी की मदद करने की स्थिति में नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान के होने या ना होने से दुनिया पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस देश ने दुनिया को केवल जख्म दिए हैं, इसलिए इमरान के पाकिस्तान से शायद ही किसी को सहानुभूति हो। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।